मुस्कुराने की वजह तुम हो। खून किया था मैंने 7 जून को। I am a bloody murderer. सात जून 2009 को मैंने अपने मम्मी पापा को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया और उनकी जान लेने वाला मैं था। मार दिया मैंने अपने माँ बाप को, मार दिया। जानती हो पिछले 13 सालों से इस दर्द को मैंने अपने अंदर क्यों छुपा के रखा? वो इसलिए क्योंकि इस तकलीफ के बोझ को अकेले उठाने में एक सुकून सा मिलता। खुद को सजा देने में लगता है कि शायद शायद मेरे मम्मी पापा को इंसाफ मिल रहा होगा। लेकिन हुआ क्या था उस दिन? 7 जून 2009 मेरा 12th बर्थडे था। पापा हमेशा बाइक पे ऑफिस आया जाया करते थे और मैं हमेशा की तरह जिद करता था कि मेरे दोस्तों की तरह हमारे पास कार क्यों नहीं। और उस दिन मेरे बर्थडे का सरप्राइज एक चमचमाती ब्रांड न्यू कार थी। वाओ, न्यू कार! पापा, इसमें म्यूजिक भी बजता है ना? बिल्कुल बजता है। चलो चलो चलो, अब जल्दी से ये केक कट करो। पर हाँ, उसके पहले एक विश मांगो। मेरा बर्थडे विश ही उनके लिए श्राप बन गया। इतनी धूप में कौन ड्राइव पर जाता है? शाम को चल सकते थे ना। पापा, आज मेरा बर्थडे है और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मम्मी, ये डॉगी का सर हमेशा हिलता ही रहेगा ना? राहुल हटेगा बेटा। राहुल! उस दिन मैंने अपने मम्मी पापा दोनों को खो दिया। मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी लग रही, लेकिन काश ये सिर्फ एक फिल्म होती जिसे 3 घंटे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। और इस सच्चाई के साथ मैं पिछले 13 सालों से जी रहा हूं और इस फिल्म का एंड अब मेरे एंड के साथ ही होगा। राहुल प्लीज। कथा, मैंने मार दिया उनको, मैं अपने माँ बाप को मार डाला। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी, इट्स ऑल बिकॉज। नो राहुल प्लीज, वो एक एक्सीडेंट था। तो मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या मेरे माँ बाप को जीने का हक नहीं था? क्या मुझे मेरे माँ बाप का प्यार पाने का हक नहीं था? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ एक ही दिन में खत्म हो गया। मार दिया मैंने अपने माँ बाप को। You're absolutely right. Actually, तुम्हें वो गिफ्ट कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। जैसे तुम्हारे मम्मा पापा ने कार दिखाकर तुम्हें सरप्राइज किया, तुम्हें साफ मना कर देना चाहिए था। बोलना चाहिए था, I hate it. मैं इस गाड़ी में कभी नहीं बैठूंगा। अरे तो मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा। और वैसे भी मैं अपने मॉम डैड का गिफ्ट ऐसे नहीं छुड़ा सकता, उनका दिल नहीं तोड़ सकता था। तो अब उनका दिल क्यों तोड़ रहे हो राहुल? मतलब तुम्हारी जिंदगी उनका दिया हुआ गिफ्ट नहीं है क्या? तुम उस गिफ्ट को कैसे ठुकरा सकते हो? तुम अपने आप को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हो राहुल? तुम बस 12 साल के थे, just 12। उस दिन जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। उनकी मौत के जिम्मेदार तुम बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, खुद को यूं कोस कर, यूं सजा देकर तुम उनकी आत्मा को दुख जरूर पहुंचा रही। तुम्हें इस तरह तकलीफ में देख रहे होंगे, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? सोचो, अगर आज तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बात कर पाते तो एक ही रिक्वेस्ट करते कि प्लीज कि 12 साल के राहुल को माफ कर दे। उस छोटे से राहुल को कस के गले लगा कर तो देखो। आई प्रॉमिस, ये बड़ा राहुल उसकी गिल्ट की भेड़ियों से आजाद हो जाएगा। कहना बहुत आसान, कोशिश करके तो देखो। हिम्मत नहीं है मुझे। फिर तुम्हारा इतना एक्स्ट्रा होने का क्या फायदा? तेरा कैंडल्स? उन 13 सालों के लिए जिनमें तुमने अपना बर्थडे मिस किया है। सुनो, कैंडल्स जोर से ब्लो करना।
ऊपर से अंकल आंटी 13 सालों से हैप्पी बर्थडे गाने को वेट कर रहे हैं। मम्मी पापा ये आपके लिए। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बर्थडे पर बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट देती थी ना? अच्छा, मतलब मेरी डायरी का एक भी पन्ना नहीं छोड़ा तुम? सॉरी, एक मिनट। जब रात को जाकर फोटोग्राफर साहब फोटोग्राफ्स एडिट कर रहे होंगे, ये तब के लिए। और ये तुम्हारे लिए एक नई डायरी, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नए दोस्त के साथ। If you wish. अब आई लव यू तो नहीं बोल दोगे? थैंक यू भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस वक्त जो मैं तुम्हारे लिए फील कर रहा हूं उसे एक शब्द में समझना बहुत मुश्किल। बस इतना जान कि आज तक मुझे तुम जैसी स्पेशल लड़की नहीं मिली। लेकिन मैं बिलीव तभी करूंगी जब तुम अपना बर्थडे कल मेरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे। सिर्फ मैं, मेरी इजा और मेरी बहन। पक्का, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आएगी, आई प्रॉमिस। ओके, एक मिनट, मैं अभी शादीवादी के मूड में नहीं हुआ। ऐसा ना हो तुम्हारी मॉम एक हैंडसम लड़का देखकर शादीवादी की बात छेड़ ले, तो अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। अच्छा, एक्स्ट्रा हो रहा है, चुपचाप आ जाना, एड्रेस टेक्स्ट कर। ओके, बाय। सुनो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इधर पीछे जा। पीछे? ये लड़का बड़ा सुंदर ठहरा ना? ये? हाँ? क्या यार मॉम, कुछ भी नहीं यार, इसका पेट निकला हुआ है ना। दूसरा पेट तो शादी के 6 महीने बाद सभी का निकल जाता ठहरा। जब तू मेरे पेट में 6 महीने की थी तो मेरा और तेरे बौजू का एक समान था। है? अरे माँ माँ माँ, ये वाला देखो, ये कितना स्मार्ट है, है ना, हैंडसम है ना। इसकी डिटेल्स निकालते हैं, ठीक है? वाओ माँ, ये अकेला रहता है, मतलब कि इसके सास पास की टेंशन भी खत्म। हेलो, गुड इवनिंग। सुनो, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, किसी को चाहिए? इलायची वाली खुशबूदार चाय तो पहले से बना के रखी ठहरी बल, पर तू आज इलायची की तरह कैसे महक रही? अब सिंपल ही जा, मैं बताती हूँ। ये जो तुम्हारी झांसी की रानी एक राजा के झांसे में फंस गई। ओफो, तुम दोनों का दिमाग एक ही ट्रैक में चलता है ना। मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे इजा, कल मैंने अपने फ्रेंड को घर पे बुलाया। आज उसका बर्थडे है ना, उसे कोई घर वाले भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि उसका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? बुला लूं से मेले वाला या रुमाल वाला?
दोस्त है मेरा। अरे दोस्त तो तेरे बड़े सारे ठहरे, इसको भी दोस्त बनाने की क्या जरूरत ठहरी? तुम नहीं समझोगी जा, मुझे खारी चाहिए। अरे कथा, मैं सच में नहीं समझ रही ठहरी। माम माम माम, मैं समझाती हूँ तुम्हें। अब आम खट्टा है या मीठा है ये तो उसका रंग देख के पता चलता है ना। अब तुम्हें अपनी बेटी के रंग नहीं दिखाई दे रहे, झुमका पहन के लाइनर लगा के सच के सवर के वो घर से बाहर गई, वापस आई तो हंसते मुस्कुराते हुए। और तो और कल लड़की को भी घर पे बुलाया है माँ, अब क्या वो माथे पे बोर्ड लगा लेगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ? नहीं ना, तो माँ दोस्त पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, लड़के पे कॉन्सेंट्रेट करो, लड़का। इसका मतलब एग्जैक्टली इजा, तेरा लाख लाख शुक्र है, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त ना बन सकते ठहरे। सुन, बैंक से वो लड़के के लिए सोने का जो शगुन बनवाया था ना, मालूम? अरे हाँ माँ, हनीमून में प्लान कर लेते हैं ना। हाँ बताओ कहाँ की टिकट बुक करूँ, बताओ बताओ। इतने आगे का कौन सोचता ठहरा, हनीमून। अब इसे अपना ही घर समझो श्वेता, घर आने के लिए इन्विटेशन नहीं दूंगी, अब आती जाती रहना। अगली बार आइएगा तो दो तीन दिन रुक के जाइएगा। जरूर, उदयपुर दिखाने की जिम्मेदारी मेरी, पूरे उदयपुर में आपको मुझसे बेहतर गाइड नहीं मिलेगा। अब तो आप दिल्ली के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, KLF मॉल में मैं पूरा फ्लोर दिलवा दूंगा, इतनी जगह होगी कि क्वींस बेकरी का नाम बदल कर आप किंग्स बेकरी रख देंगे। भाई लड़की मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बस अब कबीर की हाँ हो जाए। अरे मासा, पर ये एक भी पिक्चर में स्माइल नहीं कर रही है। वैसे किंग्स बेकरी भी बुरा नाम नहीं है, लड़की इतनी अच्छी है, परिवार इतना अच्छा है, परफेक्ट ब्यूटी विद ब्रेन्स, और लड़की सीधी सादी भी है, नहीं? Yeah, right. Traveling, luxurious bag, parties. मुझे तो किसी भी एंगल से सीधी सादी नहीं दिख रही। प्लीज, मुझे तो बहुत प्यारी लगी और खानदानी भी। कबीर बेटा, बेटा तुझे कैसी लगी? हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगी, बता ना। नानी वो होते हैं जो खानदान को एक बनाए रखे, है ना मासा? पसंद तो आई ना वो आपको? मैडी दी लड़की बहुत अच्छी और उसके लाइफ के गोल्स भी बहुत क्लियर है, बस हमारी सोच मैच नहीं हो रही है। वो एक अलग घर के सपने देख रही है और मैं सपनों में भी अपने परिवार से अलग होने की नहीं सोच सकता। माफ कीजिएगा मासा, पर यहां बात नहीं बनेगी। एक काम करो, विंडो पे आओ। What? आज भी? अरे बाबा आओ तो सही। एक काम करो, टाइम देखो, अभी 12 थोड़ी बजे हैं। आई नो 12 नहीं बजे, 11:11 हुए, और ये वो वक्त है कि इस वक्त अगर कोई भी विश मांगता है तो वो विश पूरी हो जाती है। और बर्थडे से पहले की मेरी ये विश है कि मैं अपने बर्थडे के बचे हुए 49 मिनट्स तुम्हारे साथ स्पेंड करूं। लेकिन अभी पागल हो क्या? मैं इतने लेट बाहर कैसे आ सकती हूँ? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तुमने इतने रात को केबल कार कैसे अरेंज की? तुम्हें पता है मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अब नहीं लगता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा।
राहुल ये सब राहुल ये रोपे कैसे चलने लग गए? राहुल हम दोनों के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल बचपन के बाद मैं इतनी ऊंचाई पे कभी नहीं। राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ओके रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मेरी आंखों में देखो। राहुल तुम समझ नहीं रहे हो मुझे बहुत। कथा कथा कुछ नहीं होगा, लुक एट मी, मेरी आंखों में देखो, भरोसा है ना मुझे, कुछ नहीं होगा। कथा कथा जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, ओके टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, मैं हूं नहीं। राहुल ये कार कैसे रुक गई? क्योंकि ये पल इतना खूबसूरत है कि मैं चाहता हूँ ये पल यहीं थम जाए। नहीं 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 नहीं, प्लीज मुझे नहीं छोड़ना। राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है तुम सब। कथा नहीं राहुल, मुझे नीचे उतरना है, मुझे नीचे उतरना है राहुल, मेरा डर इतना आसानी से नहीं जाएगा राहुल, मुझे नीचे उतरना है। कथा काम डाउन, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, गिव मी जस्ट गिव मी वन सेकंड। राहुल तुम समझ नहीं रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिछली बार ट्राई किया था ना, बेटर लगा था ना, तो एक बार और ट्राई कर प्लीज मेरे लिए। चलो फूंक मारो। बेटर लगा? थोड़ा सा। कथा, आज हम इस डर को भगाकर ही रहेंगे। बताओ मुझे, किस बात से डर लगता है तुम? मैं जानना चाहता हूं कि तुम ऊंचाइयों से क्यों डरती। चल। बचपन में मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार था। पापा मुझे अक्सर ट्रैकिंग के लिए ले जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन ट्रैकिंग के दौरान ऊंचाई से गिरकर उनकी मौत हो गई। इस वादी का जो सन्नाटा तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, उसमें मेरे लिए हमेशा मेरे पापा की चीख मिली हुई होती है। तुम्हारे पापा जहां भी होंगे ना, he'll be proud of you. और ऊंचाइयों से कैसा डरना कथा? पता? जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो वो एक तारा बन जाता है, और ऊंचाइयां तो हमें तारों के पास ले जाते हैं। वो देखो वहां टिमटिमाते तारों में से एक एक तुम्हारे पापा। तो आइंदा जब भी कभी ऊंचाई से डर लगे तो बस एक बार ऊपर देखकर मुस्कुरा देना। वैसे मेरे पास एक और आइडिया, एक हम एक काम करते हैं, जिन अपनों को हमने खोया है ना, हम उन्हें एक मैसेज भेजते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम उन्हें कितना चाहते हैं, कितना मिस करते हैं। लेकिन हाँ, हम उन्हें ये प्रॉमिस करेंगे कि हम उन्हें जब भी याद करेंगे तो हमेशा एक स्माइल के साथ करेंगे। वैसे मैं एक बात पूछता तो भूल ही गया, तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता है ना?
युग कथा। अब तुम एक्स्ट्रा लगे तो एक्स्ट्रा ही से, लेकिन अब तो तुमसे प्यार, अब मैं इसे अपने दिल में छुपा नहीं पाऊं। लेकिन राहुल अभी तो हम जब से होश संभाला है तब से जिंदगी में सिर्फ भाग रहा हूं, कभी खुशियों से, कभी रिश्तों से, कभी अपने आप से, लेकिन आज तुम पर आकर रुका हूं और मन करता है कि बस यही ठहर जाओ। पहली बार एहसास हुआ है कि लाइफ का एक पर्पस है, मेरी जिंदगी का एक मकसद है। पहली बार खुद से नफरत नहीं हो रही, पहली बार मोहब्बत हुई तुमसे। तुम इस कथा उमा रावत, क्या मैं अपनी लाइफ का हर बर्थडे तुम्हारे साथ मना सकता हूं? ओके, आई प्रॉमिस, मेरा हर बर्थडे इस तरह ऊंचाइयों पर नहीं होगा। कभी मालदीव्स के बीचेस में होगा तो कभी यूरोप के रोड साइड कैफे में, आई प्रॉमिस। और कभी यहीं भी नैनीताल की वादियों में मेरे हाथ के बने हुए ब्रेड पकौड़ा के साथ।